हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में। तो सबसे पहले डिप्राइव्ड चाइल्ड होता क्या है? तो अ चाइल्ड इज नोन एज डिप्राइव्ड अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है और उसको प्रॉपर पेरेंटल केयर या एजुकेशन या कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल नहीं हो रही है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड, फॉर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। तो उस चाइल्ड को हम टर्म करते हैं एज अ डिप्राइव्ड चाइल्ड। अब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिप्राइव्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जो किसी भी मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन को फेस करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, लाइक इट मे बी इकोनॉमिक, इट मे बी ड्यू टू देयर बैकग्राउंड और एनी अदर रीजन, लाइक दे मे बी हैंडीकैप्ड और दे मे नीड स्पेशल केयर ड्यू टू विच दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन। तो उसको हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिप्राइव्ड चिल्ड्रन टर्म करते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं विच कम अंडर अ डिप्राइव्ड चाइल्ड आर, सबसे पहले तो जो किसी भी रीजन की वजह से या तो होमलेस है या फिर अबैंडन किया जा चुका है बाय देयर पेरेंट्स और एनी लीगल गार्जियन। सेकेंड पॉइंट इज जहाँ पे उसको प्रॉपर पेरेंटल केयर नहीं मिल रही है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, उसको जो करना है वो करेगा, कोई गाइडेंस ही नहीं है गार्जियन या फिर पेरेंट्स की तरफ से। जो थर्ड पॉइंट है उसमें है कि व्हेन ही इज बीइंग अब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड और दे आर डिपेंडेंट, लाइक उसको उसके फादर या उसके पेरेंट या गार्जियन जो है वो ड्रिंक करके उन्हें मार रहे हैं या फिर अब्यूज किया जा रहा है, जैसे टीचर है स्कूल में वो उन्हें मार रहा है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स विद टू हिम और द चाइल्ड, ही इज बीटिंग और यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज टू एड्रेस हिम। जो फोर्थ पॉइंट है वो है व्हेन अ चाइल्ड नीड स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट मे बी ड्यू टू एनी फिजिकल और मेंटल कंडीशन, और जो पेरेंट उनका है या कोई लीगल गार्जियन है वो उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी इकोनॉमिक रीजन या फिर अपनी इच्छा से वो प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी एक डिप्राइव्ड चाइल्ड की कैटेगरी में ही आएंगे। अब डेप्रिवेशन के होते हैं चार टाइप्स। तो जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रिवेशन। जब हमें किसी भी रीजन, कुछ भी रीजन की वजह से हमें चीज नहीं कर पा रहे हैं, हमें वो चीज नहीं मिल रही है ड्यू टू इकोनॉमिक डेप्रिवेशंस, लाइक मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रही, विच इज अ बेसिक नीड ऑफ माई लाइफ, तो आई एम इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। द सेकेंड वन इज सोशल एंड कल्चरल डेप्रिवेशन। तो ये है किसी भी कोई भी डेफिशिएंसी या ऑब्स्टेकल्स जो एक इंडिविजुअल फेस करता है जिसकी वजह से उसके सोशियो कल्चरल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम सोशल एंड कल्चरल डेप्रिवेशन। इसमें हम ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक सोसाइटी है जहाँ पे सारे हिंदू फैमिलीज रह रहे हैं, तो वहां जो उनके बच्चे खेल रहे हैं एंड देयर कम्स अ मुस्लिम फैमिली, देन द चाइल्ड फ्रॉम दैट फैमिली इज नॉट अलाउड टू प्ले विद द अदर चिल्ड्रेन हु बिलोंग्स टू अ हिंदू फैमिली। सो दिस इज कॉल्ड सोशियो कल्चरल डेप्रिवेशन बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू प्ले विद देम। थर्ड टाइप जो होता है इट इज एजुकेशनल डेप्रिवेशन। अब किसी भी वजह से इफ आई एम नॉट एबल टू परस्यू माई स्टडीज, इट मे बी ड्यू टू एनी इकोनॉमिक रीजन और द सोशियो कल्चरल रीजन और एनी रीजन लाइक माई बैकग्राउंड और एनी थिंग, देन आई एम एजुकेशनल डिप्राइव्ड। लाइक इट मे बी बिकॉज इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया द गर्ल चाइल्ड आर मैरिड लाइक आफ्टर 10th और 12th ओनली, दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी फॉर हायर एजुकेशन, इवन वेन दे आर वेरी ब्राइट एंड वेरी इंटेलिजेंट दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी। सो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज इकोनॉमिक एजुकेशनली डिप्रिवेश एजुकेशनल डिप्रिवेशन। द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज इमोशनल डिप्रिवेशन। तो किसी भी रीजन की वजह से जब मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, माई माइंड नीड टू बी हेल्दी,
तो दैट इज नोन एज इमोशनल डेप्रिवेशन. इट मे बी ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स, या फिर डाइवोर्स हो सकता है, या फिर डेथ ऑफ एनी लव्ड वन, या फिर इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू सम शिफ्टिंग, लाइक आई शिफ्टेड फ्रॉम दिस एरिया टू सम अदर एरिया, और वहां का जो एनवायरमेंट है इट इज सो स्ट्रेंज दैट आई एम नॉट एबल टू सेटल इन. तो उस टाइम भी इमोशनल डेप्रिवेशन हो सकती है. अब इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिवेशन क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट और हेल्थ पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है. मतलब वी आर नॉट लाइक इफ वी वर नॉट डिप्राइव्ड एंड व्हेन वी आर डिप्राइव्ड, तो इन दोनों कंडीशन में फिजिकल डेवलपमेंट और हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है. जो सेकेंड पॉइंट जो होता है वो मेंटल हेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है. तो जब आप किसी चीज की डिप्रिवेशन फेस करते हो तो जनरली यू आर नॉट मेंटली हेल्दी. आप बहुत सारे स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, बहुत बर्डन अप हो जाता है. इस वजह से मेंटल हेल्थ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत या तो नहीं होती या फिर बहुत स्लो रेट से होती है. अचीवमेंट्स, जो अचीवमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं. मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर डिप्राइव्ड फ्रॉम समथिंग तो आप अपने फुल बेस्ट नहीं दे पाते हो, तो अचीवमेंट्स खुद ब खुद ही कम हो जाती हैं. जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. तो आपका सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत या तो स्लो रेट से होता है या नहीं होता, क्योंकि यू आर लाइक बाउंडेड विद इन दैट दैट सोसाइटी ओनली. उसके अलावा किसी से आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. आपका सोशल सर्कल भी बहुत छोटा हो जाता है. फिफ्थ है इमोशनल डेवलपमेंट. तो इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है क्योंकि द सेम रीजन, बिकॉज यू फेस सो मच डेप्रिवेशंस, देन देयर आर सो मेनी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी दैट यू आर इमोशनली नॉट हेल्दी ऑल्सो. एंड ऑन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल ट्रेट्स, द पर्सनैलिटी जनरली बिकम्स लाइक यू गेट एडिक्टेड टू बैड थिंग्स लाइक ड्रग्स, एल्कोहल और समथिंग. एंड सम चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट, ईदर दे स्टार्ट बेगिंग और दे बिकम थीव्स. देन द लास्ट इज ऑन एडजस्टमेंट. सो इफ यू आर डिप्राइव्ड देन यू जनरली डोंट डू एडजस्टमेंट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू एडजस्ट विद अदर सोसाइटी और अदर मेम्बर्स और समथिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. थैंक यू सो मच. एंड इफ यू फाउंड द कंटेंट इंटरेस्टिंग प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.